सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आपके रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि अब जो वीडियोस बनेंगी, आने वाली 2-3 वीडियोस होंगी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एक वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी मेहनत जो मैं इन वीडियोस के पीछे लगाता हूँ उनकी थोड़ी सी भी कद्र है, या आप अगर उसकी इज्जत करते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको तो मेरी वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलेंगी, पर मुझे जो है वो सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं उसे देख के काफ़ी हौसला मिलता है। आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जा रही है, किसी न किसी को हेल्प कर रही है, जो ये मेरे वीडियोस जो है वो देख रहे हैं उनको, और कुछ सीखने में उनको मदद कर रही है। तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो जो बेल का आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल्स टेक्निकली डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मिस्टेक्स में क्रीप अप वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जाहिर सी बात है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, तो बुक कीपिंग के प्रोसेस में, क्योंकि इंसान ही करते हैं बुक कीपिंग और इंसान से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, तो बुक कीपिंग के प्रोसेस में काफ़ी एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इन एरर्स की क्लासिफिकेशन देखिए, ये क्लेरिकल एरर्स हो सकते हैं या रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कॉन्सेप्ट हो सकता है अकाउंटेंट को क्लियर नहीं है इसलिए उसने एरर कर दी, या क्लेरिकल एरर जो गलती से हो जाती है, सिली मिस्टेक भी जैसे कहते हैं, उस टाइप के एरर्स हो सकते हैं। अब एरर्स अगर हो गई तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप एंड नेचर, यानी कि क्लेरिकल हो या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड हो या कैसे भी एरर्स हो, ठीक तो उन्हें करना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप एरर्स को ठीक नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग की जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स को बताना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कौन है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ये किसके काम आता है, जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं उनके काम आता है। उनमें से कौन कौन लोग आते हैं, ओनर्स, हो सकता है बिजनेस के ओनर्स और मैनेजर्स अलग हों जैसे कि कंपनी के केस में होता है, या बहुत समय बिजनेस का मालिक भी जानना चाहता है, सोल प्रोप्राइटर ही अगर वो हुआ तो वो जानना चाहता है कि मेरी बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। तो ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, ठीक है, और गवर्नमेंट, तो बेसिकली ये चारों मेन हैं। उसके बाद और भी कुछ लोग हैं जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, पर ये चारों मेन हैं। क्रेडिटर्स को इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जहाँ पे हमने अपना पैसा फंसा के रखा है वो बिज़नेस मुनाफे में है भी या नहीं, हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा भी कि नहीं। एम्प्लॉइज़ को जानने की इच्छा इसलिए रहती है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, फ्यूचर क्या है हमारा यहाँ पे। और गवर्नमेंट को तो टैक्सेस से मतलब है, तो टैक्स लेने के लिए उसे बिज़नेस का प्रॉफिट पता करना बहुत ज़रूरी होता है, तो गवर्नमेंट इसीलिए बिज़नेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग डेटा के बारे में जानना चाहती है। तो अगर इसमें एरर हो जाए अकाउंट्स में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप इन लोगों को सर्व कर रहे हैं उसमें गलती रह जाएगी, तो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए एरर्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, एरर्स जो हैं वो किस पॉइंट पे डिटेक्ट होंगे उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है। जैसे एरर्स की डिटेक्शन हो सकती है आपकी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है ट्रायल बैलेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं यानी कि आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप अपने सारे लेजर अकाउंट से बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन्हें ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस को यूज़ करके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, FA यानी कि फाइनल अकाउंट्स। तो एरर्स यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है, यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है यानी कि आपने ट्रायल बैलेंस को बना लिया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद, इस पॉइंट पे भी एरर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई या डिटेक्ट हो सकती हैं।
और कुछ एरर्स जो हैं वो बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद पता चलती हैं, ठीक है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि इस पॉइंट पे। तो एरर जो है वो जिस पॉइंट पे डिटेक्ट हो रही है उसके हिसाब से उसकी रेक्टिफिकेशन भी होगी। तो इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एरर को किस पॉइंट पे डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ आपको बहुत काम देगी कि हर एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है वो डिपेंड करेगा कि आपने उसे कब डिटेक्ट किया। क्या आपने उसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले डिटेक्ट कर लिया था, या ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले डिटेक्ट किया, या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद डिटेक्ट किया। तो जब भी डिटेक्ट किया उस हिसाब से उसकी रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं कि एरर्स की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है पॉइंट वो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या? ओमिशन मतलब सीधे शब्दों में है भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट। यानी कि आपने किसी एंट्री को जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना आपने ओमिट कर दिया, यानी कि आप भूल गए उसे रिकॉर्ड करना। अब ओमिट कर दिया, अब भूल जो गए वो दो तरीके से भूल सकते हैं, या आप कंप्लीटली भूल गए, ठीक है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपने ना डेबिट साइड रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, आप कंप्लीटली उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। मान लीजिए मिस्टर राम एक डेटर है, वो आपको पैसे देने के लिए आया, आपने उससे 100 रुपये लिए अपनी जेब में डाले, आपने मतलब कैशियर ने 100 रुपये लिए अपनी जेब में डाले, पर वो इतना बिजी था कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में अपनी बिजीनेस के चलते वो उस 100 रुपये की ट्रांजैक्शन को भूल ही गया रिकॉर्ड करना, और वो बात उसके दिमाग से निकल गई और एंट्री भी रिकॉर्ड होना जो मिस हो गई अकाउंट्स में। तो उसे कहते हैं हम कंप्लीट ओमिशन, ठीक है, ये टोटली एंट्री जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और एक होता है पार्शियल, कि मान लीजिए आपने वही 100 रुपये जो मिस्टर राम से रिसीव किए उसे आपने कैश बुक में एंट्री तो कर दी, पर मिस्टर राम के अकाउंट में जो उसकी पोस्टिंग होनी थी वो नहीं हुई, ठीक है, यानी कि कैश बुक को आपने डेबिट कर दिया पर मिस्टर राम के अकाउंट को जो क्रेडिट करना था वो आपने नहीं किया। तो ये है पार्शियल ओमिशन। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो पार्शियल ओमिशन है ना, पार्शियल ओमिशन के कारण आपकी ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि आपकी डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो है उसमें चेंजेस आ जा रही हैं। आपने एक आइटम 100 रुपये की डेबिट साइड उसकी डेबिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर दिया पर क्रेडिट एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस जो है पार्शियल के केस में ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आ जाएगी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में मिसमैच। पर कंप्लीट ओमिशन अगर हो जाती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, तो आपकी ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाएगी, क्योंकि आपने तो ना डेबिट साइड रिकॉर्ड की ना क्रेडिट साइड, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका अग्री करना है ही, क्योंकि अगर आप किसी एक साइड में एरर करते तो आपकी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होती, पर क्योंकि आपने दोनों साइड्स में ही एरर की हैं इक्वल वैल्यू की, तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगी, पर उसमें जो भी फिगर्स होंगी डेबिट और क्रेडिट में वो कम्प्लीटली सही नहीं होगी, क्योंकि आपने एक एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, ठीक है। अब चलिए ये सेकेंड एरर जो है एरर ऑफ कमीशन वो देखते हैं। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या है, पहले वाला था ओमिशन, और ओमिशन के आगे एक सी लगा दिया हमने तो बन गया एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब क्या, ये वो कमीशन नहीं है जो एजेंट दलाल वगैरह खाते हैं। कमीशन मतलब आपने एंट्री पोस्ट करते समय या एंट्री रिकॉर्ड करते समय कोई गलती कर दी, उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, यानी कि हमने गलती जो है वो कमिट कर दी, ओके, वी कमिटेड अ मिस्टेक, इसीलिए कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब अराइजेस फ्रॉम एन एक्ट ऑफ कमीशन लाइक एंट्रीज रॉन्गली मेड इन द जर्नल ऑफ लेजर। आपने एंट्रीज को जर्नल या लेजर में गलत डाल दी। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये सैलरी दी है किसी को, ठीक है, पर आपने सैलरी की जगह रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश कर दिया। हो ही सकता है जर्नल में, जर्नल पोस्टिंग में आपसे गलती हो गई हो, या हो सकता है कि आपने जर्नल सही की हो पर लेजर में जब आप उसको पोस्ट कर रहे हो तो आपने गलत अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर दी। तो जो गलती आपसे बाय मिस्टेक हो गई है अनजाने में, उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो यहां पर एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन में अंतर यह है कि ओमिशन में आप एंट्री करना पूरी तरह से भूल गए हैं या पार्शियली भूल गए हैं, पर एरर ऑफ कमीशन में आपने एंट्री की है पर आपने एंट्री गलत पास की है, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशंस के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, देयर में भी एरर ऑफ पोस्टिंग जो मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको जो पहले बताया था कि आपने ₹100 जो है मिस्टर राम से रिसीव किए, ठीक है,
पर आपने पोस्टिंग क्या कर दिया, मिस्टर रहीम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। राम के अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी पर आपने मिस्टर रहीम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। तो ये है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल लगाना। कैसे होता है देखिए, एक टी फॉर्म का अकाउंट होता है, आप सबको पता है, यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं डेबिट साइड में। अब आप दोनों साइड्स का टोटल लगा के बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ आप सबको पता है, ठीक है। तो इस बैलेंस को एक्सट्रैक्ट करने में अगर आप किसी भी साइड की टोटल जो लगा रहे हैं उसमें अगर आप गलती कर दें तो वहाँ पे जो आपकी बैलेंस आएगी वो गलत आ जाएगी। तो इसे हम एरर ऑफ कास्टिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर के ज़माने में आजकल जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, एरर ऑफ कास्टिंग होने के चांसेस जो है वो नहीं है। पर ये जो सिलेबस हम पढ़ते आ रहे हैं वो मैनुअल अकाउंटिंग जब से होती थी तब के दिनों से वही एक ही सिलेबस है, ठीक है। इसलिए एरर ऑफ कास्टिंग को भी दिमाग में रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया, एरर ऑफ कास्टिंग यानी कि बैलेंस निकालते समय जो आप टोटल करते हो उसमें कोई गलती करती तो वो एरर ऑफ कास्टिंग। उसके बाद एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट्स। अब मिस्टर राम से आपने 100 रुपये प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं, पर उसे आपने 1000 या मान लीजिए 10 रुपये एंटर कर दिए, ठीक है, एक ज़ीरो ज़्यादा या एक ज़ीरो कम कर दिया, तो उसे कहते हैं एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट्स। तो ये भी जो है आपका एरर ऑफ कमीशन है। एंटरिंग ए ट्रांजैक्शन इन ए रॉन्ग सब्सिडियरी बुक। ये क्या होता है, मान लीजिए कि मिस्टर राम आपका डेटर है, उसे आपने 100 रुपये लिए थे, पर आपने मिस्टर रहीम जो आपका क्रेडिटर है, आपने उसे डेटर्स लेजर में रिकॉर्ड नहीं करके मिस्टर राम के अकाउंट में, आपने क्रेडिटर्स लेजर में मिस्टर रहीम एक क्रेडिटर है उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो उसे कहते हैं एंटरिंग ए ट्रांजैक्शन इन रॉन्ग सब्सिडियरी बुक्स। मतलब किसी डेटर से हमें पैसे मिले पर उसकी एंट्री डेटर्स लेजर में ना करके आपने क्रेडिटर्स लेजर में किसी क्रेडिटर के अकाउंट में डाल दी गलती से। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखिए, ये जो एरर ऑफ कमीशन होती है इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होता है, क्या एरर ऑफ कमीशन के कारण ट्रायल बैलेंस मैच करेगी या मिसमैच आ जाएगी। अब इसका आंसर जो है वो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता मैं कि मिसमैच आ जाएगी या मैच करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरर्स ऐसे हो जाते हैं जिनकी बैलेंस जो है ना वो मतलब एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट 1000 की किसी से रिसीव की पर उसे आपने 100 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो एक्चुअल आपने 1000 रुपये रिसीव किए पर रिकॉर्ड किया आपने 100 रुपये, और किसी से आपने 100 रुपये रिसीव किए पर रिकॉर्ड कर दिया 1000 रुपये। तो इन दोनों एरर्स के कारण क्या होगा कि आपकी इस एरर की जो इफ़ेक्ट है वो ये एरर जो है वो उसे काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो 900 रुपये आपने कम रिकॉर्ड किए थे, इस केस में आप 900 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो दोनों एरर्स एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे ट्रायल बैलेंस में, और आपकी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अकाउंट जो है वो बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एरर्स डिटेक्टेड एंड नॉट डिटेक्टेड बाई ट्रायल बैलेंस, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन के सामने यहाँ पे दे दूँगा। तो उसमें भी आप देखेंगे मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना उसका मतलब ये नहीं कि आपकी अकाउंट्स जो है बिल्कुल सही बनी है, उसके अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, बस ढूंढने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है आपके मन में एक खुशी आ जाती है कि वाह मेरा ट्रायल बैलेंस जो मैच हो गया है, इसका मतलब मैंने जो अकाउंट्स बनाई है उसमें कोई गलती नहीं है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप ढूंढेंगे अच्छे से तो एक दो एरर शायद आपको मिल ही जाए। इसलिए सावधानी से अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स जो है वो हमेशा मेंटेन करने पड़ते हैं। अब चलिए देखते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल एक ऐसा एरर है जहाँ पर आप अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में गलती कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस या आइटम्स में रिकॉर्ड करने में गलती कर दी। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है कि परचेज ऑफ एन एसेट मे बी रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज डे बुक, ठीक है, और वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन मे बी डिविडेड टू वेजेस अकाउंट। तो सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट वाला देखते हैं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए हमने एक एसेट परचेज किया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू बैंक या जो भी हो, मान लीजिए बैंक अकाउंट से पेमेंट किए हैं तो टू बैंक 1 लाख रुपए,
ठीक है, तो ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। पर इसके जगह आपने एसेट अकाउंट के जगह, ये एसेट अकाउंट के जगह पर आपने क्या किया, यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, क्योंकि अकाउंटेंट को कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बारे में जो है वो डिफरेंस नहीं पता, वो इतना एडुकेटेड नहीं है मेरे और आपकी तरह। ठीक है, किसी भी एरे गैरे को आपने अकाउंटेंट रख लिया, उसने सोचा कि एसेट परचेज किया है तो चलो भाई परचेज अकाउंट को डेबिट करो, यानी कि उस अकाउंटेंट को बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पता नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा क्योंकि आप 1 लाख रुपए डेबिट कर रहे हैं और 1 लाख रुपए क्रेडिट भी कर रहे हैं, पर आपकी जो है जो अकाउंट्स है वो मिस रिप्रेजेंट करेंगी आपकी स्टेट ऑफ अफेयर्स को, यानी कि जो अकाउंट्स बता रही हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है वो गलत बताएंगी। कैसे गलत बताएंगी, आपके बिजनेस में 1 लाख के एसेट है पर आपके अकाउंट्स में तो वो दिखाई नहीं देगी, और आपने जितना भी परचेज किया था गुड्स, परचेज यानी कि जो माल खरीद बिक्री करते हैं हम बिजनेस में, उसे हम परचेज अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, जो गुड्स होती हैं स्टॉक की आइटम्स। तो जो भी आपके अकाउंट्स को देखेगा या पढ़ेगा उसे लगेगा कि जितना आपने एक्चुअली खरीदा है स्टॉक उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्डेड, तो उसे लगेगा कि आपने एक्चुअल से 1 लाख रुपए ज़्यादा परचेज किए, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल काफ़ी खतरनाक होते हैं, ये पूरा अकाउंट्स का नक्शा ही बदल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में फेर बदल कर सकते हैं ये लोग। तो इन एरर्स को हमें बहुत सावधानी से डील करना है, और ये जो है एग्जामिनर के फेवरेट भी होते हैं स्टूडेंट से पूछने के लिए। और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन मे बी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखिए इसका बैकड्रॉप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब भी आप कोई नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो जब तक एसेट पुट टू यूज़ नहीं हो जाता, यानी कि ये जो मशीन है ये जब तक आपका पुट टू यूज़ नहीं हो जाता या रेडी फॉर यूज़ नहीं हो जाता, तब तक के सारे खर्चे जो आपने इस मशीन के ऊपर किए हैं उनको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि मशीन की वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि मान लो आपने एक मशीन खरीदी है 50,000 की, ठीक है, अब इस मशीन को आपने अपने फैक्ट्री तक लाने के पीछे जो भाड़ा है, फेयर या फ्रेट भी कहते हैं, मान लो आपने 1,000 रुपीज़ की फेयर दी है, फिर अपने फैक्ट्री में इसे इंस्टॉल करवाने के लिए आपने वेजेस वगैरह पे किए हैं 500 रुपये, तो आप जो मशीनरी की अमाउंट को कैपिटलाइज करेंगे वो होगा 50,000 प्लस 1,000, 51,000 और 500, 51,500 रुपीज़। तो इस इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो वेजेस पे किए, हो सकता है आपके अकाउंटेंट को लगा हो कि अरे वेजेस ही तो पे किए हैं, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दो, उसने क्या किया, वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट वगैरह जो भी है वो क्रेडिट कर दिया, तो 500 रुपये से वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जो वेजेस है ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका खर्चा जो है पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनली जाएगा, पर यहाँ पर जो आप वेजेस पे कर रहे हैं ये इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पे कर रहे हैं। जब तक आप इस मशीन को इंस्टॉल नहीं करेंगे वेजेस को पे करके, तब तक मशीन को आप यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यूज़ करने से पहले तक के या रेडी टू यूज़ के पहले तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कैपिटलाइज होंगे, इसलिए ये वेजेस भी हैं जो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होंगे। तो ये सब होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये ट्रायल बैलेंस की अग्रीमेंट को, यानी कि ट्रायल बैलेंस में मिसमैच नहीं करते, लेकिन ऑपरेशनल रिजल्ट्स जो हैं वो मिस रिप्रेजेंटेड हो जाते हैं, इसलिए इन एरर से सावधान रहना है, क्योंकि इन्हें खोज कर निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा कंपेंसेटिंग एरर्स, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज कर देंगे। तो कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि कंपेंसेटिंग एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो 1,000 और 100 और 100 और 1,000 वाला एग्जाम्पल, कि आपने किसी से रिसीव किया और आपने अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो आपने किसी से कैश रिसीव किया, मान लीजिए मिस्टर ए से आपने कैश रिसीव किया 1,000 रुपीज़, पर अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया 100 रुपीज़, तो आपने क्या किया, आपने 900 का जो है कम रिकॉर्ड किया, तो -900, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं। और मिस्टर बी ने आपको 100 रुपीज़ कैश दिए पर आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया 1,000, तो यहाँ पे +900, तो +-900 की इफेक्ट कैंसिल हो गई। तो सही तरीके से अगर बोला जाए टेक्निकल टर्म में, तो इस एरर ने
इस एरर की इफ़ेक्ट को कंपेंसेट कर दिया। इस एरर से जो आपका नुकसान हुआ था वो इस एरर ने कंपेंसेट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों ने कंपेंसेट हो गए हैं तो इन एरर्स को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मिस्टर ए ने जितने पैसे दिए वो मिस्टर ए के अकाउंट में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, पर ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि एक एरर दूसरे एरर की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक एरर की इफेक्ट दो तीन एरर्स जो है मिल के कॉम्पेंसेट कर रहे हो, ठीक है। यानी कि एक एरर ऐसा है जिसके लिए प्लस 900 हो जा रहा है आपका, मान लीजिए डेबिट साइड में एक्सेस 900 हो जा रहा है, और तीन एरर्स आपके ऐसे कंबाइंड 3 एरर्स हैं जो आपके क्रेडिट साइड को प्लस 900 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है दोनों 900 900 से अगर प्लस हो जाती है तो आपकी ट्रायल बैलेंस जो मैच कर जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगी, अंदर में कुछ एरर्स तब भी रह जाएंगे, तो उन एरर्स को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। हम अपनी भाषा में इन्हें छुपा रुस्तम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एरर्स जो होते हैं उन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके छिपे हुए रहते हैं, एक दूसरे की मदद से जो है वो छिपे हुए रहते हैं, सामने नहीं आते। तो ये सारी एरर्स थी जो हमें डिस्कस करनी है आगे चल के, और वन साइडेड टू साइडेड एरर्स वगैरह भी होती है जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने सुझाव और कुछ भी आपका सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अगर आप वीडियो पसंद आया तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएं। अगर इस वीडियो में आप कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते थे तो उसे भी अपने आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं फ्यूचर की वीडियोस में इसे इनकॉर्पोरेट कर सकूं। और एक बार फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक अगर आपने तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वो बेल का आइकॉन भी दबा लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन जो है वो शुभ हो।